थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे प्लीज। Hey, what's up guys? मैं रणवीर, तो guys, welcome to the new prank। और आज का prank है बहुत ही ज्यादा extreme वाला, तगड़ा रहने वाला है। होपफुली रहे, मतलब रिएक्शन ऐसे तगड़े वाले आए, क्योंकि मैंने ना काफ़ी सारी चीज़ें प्लानिंग की है और काफ़ी प्लानिंग के साथ मैंने ये आइडिया लगाने की कोशिश की है। तो अभी मैं ऊपर स्टूडियो पे काम कर रहा हूँ, पर सुबह सुबह जब अंकिता नीचे जा रही थी तो मैंने उसको बोला तू जा, मैं दो मिनट में मेरा फुटेज वगैरह थोड़ा सेटअप करके नीचे आ रहा हूँ। अब दो मिनट की जगह पर ऑलरेडी 10-15 मिनट हो चुकी है, पर नीचे अंकिता चाय बना रही होगी और मम्मी से बात बात कर रही होगी। लेकिन उसके साथ साथ मैंने मम्मी को बोल के रखा है कि जब मैं व्हाट्सएप करूंगा तेरे को तब अंकिता को ऊपर भेजना ये बोल के कि यार हीरिंग को बहुत ज्यादा टाइम लगे, वो आई नहीं रहा, क्या हुआ जाके देख क्या। तो वो ऊपर आएगी और मैं यहाँ पे नौटंकी कर रहा हूँ ये बोल के कि मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है क्योंकि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मर गई। वैसे जितनी भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड देख रही है ना ये वीडियो को, मैं तुम लोगों की बात कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम लोग याद भी नहीं, और जिन जिन लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप होता है ना उनसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे इस वीडियो में मुझे रोना पड़ेगा तो मैं ग्लिसरीन लेकर रख रहा हूँ क्योंकि जल्दी नेचुरली रोना तो अपने को आएगा नहीं, तो ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे रोने के लिए। वैसे उससे याद आया कि हम लोग सोच रहे हैं शॉर्ट फिल्म्स वगैरह शूट करने के लिए, मतलब शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाने के लिए, तो क्या आप लोग चाहते हो कि हम लोग ऐसा कुछ करें तो कमेंट में नीचे जरूर बताना। फिलहाल सेटअप कर देते हैं और मम्मी को मैसेज करते हैं। ओके, इस कैमरा सेट कर दिया है, अभी ग्लिसरीन की बारी है। देखो पहले मम्मी को मैसेज कर देता हूँ, टाइप करके रेडी रखा है, ग्लिसरीन लगा देता हूँ। अबे पैक में पहले कभी, ओ भाई चलने लगा, ओ शिट, ये देखो सच में रोना आ गया, शिट, ओ अच्छा चल सेट हो गया, ये कभी जाएगी, आ शिट, अबे यार चल, अबे यार कहाँ खुली नहीं रह रही मेरी। बेबी तू आने वाले थे, आई क्यों नहीं? बेबी तेरे को हुआ क्या? बेबी 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 हुआ क्या, तू ये रो क्यों रहा है? बेबी तू रो क्यों रहा है मुझे बताएगा? हिरन हिरन बताएगा, मम्मी भी मुझे पूछ रहे थे तू आने वाला था इतने देर में क्या हो गया? बेबी तू हो ना, मैं तेरे को रोते हुए नहीं देख सकती, हुआ क्या बताएगा? थोड़ी देर तक लिए को अकेला छोड़ दे यार प्लीज। हुआ क्या बेबी पर ऐसा इतना तो ज्यादा? थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे प्लीज, वो रोया छोड़ गया यार, तुझे हुआ क्या 15-20 मिनट में? बिल्कुल नहीं सोचा क्या हुआ, कसम से बोले हुआ क्या, मैंने कुछ भी क्या, कसम से कह रही हूँ किरण बता ना प्लीज, प्लीज होना बंद कर, मेरे को पूछ रही हूँ मैं, इतना रो क्यों रहा है तू? एक्सपायर हो गए, कौन एक्सपायर हो गया? मैं गर्लफ्रेंड थी, कौन सी वाली गर्लफ्रेंड? मैंने उसको मना किया था कि
रेस वगैरह मत किया कर, बहुत बोला मैंने उसको रेसिंग में पार्ट ले लिया दोस्तों के मत किया कर रेसिंग वगैरह, वो कार एक्सीडेंट रेस करते हैं उसका हो गया के लिए रेसिंग्स करती थी और क्योंकि और वो जो लड़का था ना क्योंकि शादी की उसने भाग के उसकी वजह से घर वालों ने भी इसको नहीं रखा था इसके अपने साथ, तो ना ये यहाँ की रही ना वहां की रही, अब बता रही उसके बच्चे का क्या होगा। पर तुझे इतना सब कैसे पता, तू उसका कांटेक्ट है ना? नहीं उसके दोस्त ने बताया मेरे को, अभी उसका फोन आया था खुश रहो ये मुझे बता, जोक्स मारू मैं खुद पे इसके अंदर इतना तो क्यों रो रहा है, तेरा सॉल्यूशन आ जाएगा, तेरा उससे कॉन्टेक्ट भी नहीं था ना। यार कांटेक्ट नहीं था तो अंकिता इंसानियत तो होती है कि नहीं, जानने मिलेगा तो ऐसा तो होगा ही नहीं होगा। तेरे किसी पुराने फ्रेंड ग्रुप में से किसी और के साथ ऐसा हुआ होता और तुम्हें तो ये बोलता कि ठीक है ना मर गया तो क्या है, तेरे कांटेक्ट थोड़ी ना था। सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा, सॉल्यूशन वो लड़की के बारे में है उसके माँ बाप आ जाएगी मुझे पता। तू बोल रही है ना सॉल्यूशन आ जाएगा, कैसे सॉल्यूशन आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा उसके पेरेंट्स आके। वही अगर उसको कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा, वो उसके पेरेंट्स आ जाएंगे ना, नहीं आए तो उसके पापा भी जो है भले डाइवोर्स हो गए पर उसके मानिए तो उस कुत्ती को मैंने बोला था रेसिंग मत कर, कम से कम बच्ची है वो तो सोच ले। तो तुझे कैसे पता 3 साल की बच्ची है, तूने उसको कब बोला तो? मैंने वो बीचों बताया तो था 2 साल पहले के क्रॉस हुए थे, वो अभी भी रेसिंग कर रही थी कमाने के लिए, मैंने मना किया था उसको, मैं तो 1 मिनट में बात हुई थी नहीं हुई थी उस वक्त, मेरा कोई कांटेक्ट वॉन्टेक्ट नहीं है पर एटलीस्ट एक बार मिली तो मैंने उसको यही चीज बोली थी। रोना बंद कर यार, मैं तेरे को दुखी हो रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इस सिचुएशन में, मुझे मालूम है पर मेरे दिमाग में सब बहुत हेड। तू मेरे तरफ से क्या चाहता है, मैं तेरे को हर तरफ से सपोर्ट करती हूँ ना, मैं तो रो मेरे को देख नहीं सकते रोते हुए, मैं तो हर तरीके से सपोर्ट करने तैयार हूँ, मैं तेरे को रोते हुए नहीं देख सकती। क्या हुआ किरण, पानी चक्कर आ रहे मेरे को बहुत ज्यादा, पानी पी नहीं तू तो जानती भी नहीं थी उसका और तू रो रहा है,
रहा था मुझे बुरा फील हो रहा था, रो रहा था इसीलिए मुझे ग्लिसरीन लगा। अरे सुन तो सही, पहले पूरी बात तो सुन, एक लास्ट बात सुन ले। वैसे की गर्लफ्रेंड है भी नहीं, रैंडम बना ले, मुझे कोई नहीं पड़ी वाली। अरे बहुत सेक्सी होती है, ठीक है बना ले। तू रोना मत कर, तू क्यों रो रही है? तो मेरी फीलिंग, अभी हम जिंदा है। शेयर कर देना इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो कर लेना, इसकी चैनल ब्लॉग्स पे डेली ब्लॉग्स आते तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते रहे वीडियो में, तो बाय बोलना। नहीं बोलना, बाय बोल, नहीं बोला तेरे बोल, वरना मैं नहीं होता है, वरना मैं क्या, मैं और ग्लिसरीन डालूंगा और नकली आंसू से रोऊंगा, क्योंकि तेरे में तो फीलिंग है नहीं, तू पत्थर दिला। मैं, बाय गाइस।